पुलिस वाला कैसे आया, रात में पूरा हवा निकाल दिया है, ड्राइवर को मारता भी है, इधर ये भी गाड़ी है इसका भी हवा निकाल दिया है। ये देखो ये मिस्त्री लगा हुआ है, टायर खुला हुआ गाड़ी का। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूँ आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। लोड लेने गए ट्रकों की निकाली हवा, नहीं मिला लोड, हुआ हजारों का नुकसान, शायद अब पुलिस वालों को मिल गई होगी संतुष्टि। देखिए ये है मोरा हजीरा सूरत, पुलिस वाला कैसे आया, रात में पूरा हवा निकाल दिया है और पूरे ड्राइवर को मारता भी है इधर, और ये भी गाड़ी है इसका भी हवा निकाल दिया है। ये है मोरा, सूरत में पड़ता है ये। और देखिए इसका तो एक एक निकाला है, वो सामने गाड़ी है इसका दोनों हवा निकाल दिया है। यहाँ भी सब गाड़ियाँ खड़ी थी रात में, वो अपना स्केप नहीं लगा के कैसे भी चली गई है। और देखिए वो सामने जो गाड़ी है ना, उसका दोनों हवा निकाल दिया है, वो बेचारा अब क्या करेगा, अब कितना परेशान करते हैं। इधर एक और गाड़ी है, देखिए इधर इसका भी हवा निकाल दिया है। और ट्रांसपोर्ट टीवी से कुछ गुजारिश है कि कुछ ड्राइवरों के लिए किया जाए, ये लोग बहुत परेशान करते हैं पुलिस वाले। इधर गाड़ियाँ खड़ी है, टायरों की हवा निकली है, और कोई एक गाड़ी नहीं बल्कि 9-10 गाड़ियों की हालत कुछ ऐसी ही है। ये जगह है सूरत गुजरात की। यहाँ मोरा हजीरा के पास एक कंपनी है जहाँ बहुत से ट्रक ड्राइवर लोडिंग के लिए आते हैं। ड्राइवरों ने बताया कि वो 3-4 साल से यहाँ आ रहे हैं। ड्राइवरों का कहना है कि ये रोड ऐसी है जहाँ आवाजाही कम होती है। कंपनी के पास कोई पार्किंग नहीं है और न ही यहाँ कोई सरकार की ओर से पार्किंग बनाई गई है, तो ड्राइवर यहीं सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ड्राइवर ने बताया कि 17 अक्टूबर को वो यहाँ लोडिंग के लिए आया था, तो वो रात को 8 बजे के करीब कंपनी में गाड़ी लॉक करके लोड की बात करने गया और 9 बजे के करीब वापस आया तो देखता है कि यहाँ तो कुछ पुलिस वाले गाड़ियों की हवा निकाल कर जा रहे हैं। जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी थी सबके टायर पंक्चर करके पुलिस निकल गई। यहाँ पुलिस ने ना कोई वजह बताई, ना कुछ कहा, ना कुछ सुना, ना ही कोई चेतावनी दी, बस गाड़ी का नुकसान करके चले गए। अगर कोई भी बात थी तो आप पहले बात तो करते। ड्राइवर का कहना है कि 3-4 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, बस अब 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है। रात का समय था, ना तो कोई मैकेनिक इस वक्त मिल पाता है, ना ही कोई और। ड्राइवर के पास स्टेपनी थी नहीं तो उसे सुबह तक का इंतजार करना पड़ा। जिनके पास स्टेपनी थी वो तो टायर लगाकर निकल गए, पर बाकियों को सुबह तक रुकना पड़ा, जिसके बाद मैकेनिक को बुलाया गया और फिर टायर बदलवाया गया, तब जाकर ड्राइवर यहां से लोड लेकर निकल पाए। एक जानकारी के अनुसार ड्राइवरों का ये भी कहना है कि ये सब पुलिस वाले पैसों के लिए करते हैं। जो ड्राइवर मिलते हैं उनसे तो पैसे ऐंठ लेते हैं और जो नहीं मिलते उनका नुकसान कर लेते हैं, तो यहाँ तो हिसाब वही है कि या तो इनकी जेबें भरो या फिर ये आपके पैसे जैसे तैसे लगवा ही देंगे। पर यहाँ इस लूट की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है जो उपलब्ध होनी चाहिए थी। या तो कंपनी पार्किंग मुहैया करवाए या फिर सरकार कुछ ऐसी सुविधा प्रदान करे ताकि ड्राइवरों के साथ ऐसी लूटमार और नुकसान ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पुलिस वाले तो गाड़ियों के टायरों की हवा निकाल कर चले गए लेकिन उसका भुगतान ड्राइवरों को करना पड़ रहा है और परेशान सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर ही हो रहा है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम कमन हंसपाल सिंह, ट्रांसपोर्ट टीवी ने एक ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस की बहुत वधिया सुविधा सानू ट्रकां वालियां नू दित्ती है। मैं भी अपने दोस्तों मित्रों ने ट्रकां दे सब दे इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल तो ही करवाई। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।